नमस्कार दोस्तों दोस्तों अभी तक तो जनता सिर्फ गोदी पत्रकारों और बीजेपी प्रत्याशियों को देखकर ही गो बैक के नारे लगाती थी, लेकिन अब तो मोदी साहब को देखकर भी लोग गो बैक के नारे लगा रहे हैं। बताओ ऐसे जो है 400 पार ले आएंगे ये बीजेपी वाले। दरअसल दोस्तों मोदी साहब पटना में रैली करते हैं रात के वक्त। रैली में महिलाएं भी आई हुई होती हैं, तभी महिलाएं और बाकी सभी चिल्लाना शुरू कर देते हैं, मोदी चोर है, मोदी गो बैक, मोदी शेम ऑन यू, मोदी हटाओ, देश बचाओ। ये है देश के प्रधानमंत्री का हाल कि अब जनता उन्हें भी पसंद नहीं करती है। चलिए पहले आप भी ये वीडियो देख लीजिए। वहीं अब सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल हो जाने के बाद लोग क्या कुछ बोल रहे हैं अब ये जानते हैं। आलोक चीकू नाम के यूजर लिखते हैं, मोदी चोर है, मोदी गो बैक, मोदी शेम ऑन यू, मोदी हटाओ, देश बचाओ। आज मोदी पटना आया था भीड़ के लिए बस में, भर भर कर पटना के पाटलिपुत्र लोकसभा और पटना साहिब लोकसभा दोनों जगह से पब्लिक लाई गई थी। इसमें युवक युवती भी थे जो सरकार द्वारा रोजगार नहीं देने से परेशान है। ये युवक युवती ही मोदी को ये आशीर्वाद दे रहे थे। युवतियां मोदी द्वारा रोजगार नहीं देने, बृजभूषण शरण सिंह एवं प्रज्वल रेवन्ना जैसे बलात्कारी को संरक्षण देने से गुस्से में थे। आमजन के इस गुस्से का ये संकेत है कि पाटलिपुत्र और पटना साहिब तो बीजेपी हार ही रहा है, इसके अलावा पूरा बिहार से सफाया होने जा रहा है। मनीष सिंह लिखते हैं, सिर्फ बिहार नहीं पूरे देश में बीजेपी खत्म, सिर्फ हाथ लालटेन और साइकिल का ही जलवा है। सही बात है ना बंधु। क्षत्रिय राजा यादव नाम के यूजर लिखते हैं, आज महामानव नरेंद्र मोदी जी पटना में सुशील मोदी जी को श्रद्धांजलि देने आए थे। विद्यार्थियों और सुशील मोदी के मोहल्ले में रहने वाले लोगों द्वारा मोदी चोर है, मोदी चोर है, मोदी गो बैक के नारे लगाए गए। जब युवा बिहार जाग जाए तब मोदी का जाना तय है। चलिए दोस्तों फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। अगली बार फिर करते हैं आपसे मुलाकात किसी दूसरी खबर के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहिए, मजे में रहिए और साथ ही अब जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा।